Soli. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम वेलकम बैक इन आवर लाइव सेशन. वेलकम बैक इन आवर लाइव सेशन. वेरी गुड मॉर्निंग जेनिफर. यू आर हियर टुडे. हैड लेक्चर्स एट दिस टाइम सो कुड नॉट अटेंड. इट्स ऑल राइट जेनिफर. वेलकम बैक. आक्षु उपाध्याय वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग शेख कुमार. वेरी गुड मॉर्निंग रेशु जी. सुलग्ना आकांक्षा एजीएस एसएमएस. वेरी गुड मॉर्निंग जी. मंजू एंड देन आकांक्षा विश्वकर्मा देन सुवर्णा मंजू गणेश. वेलकम बैक एवरी वन ओवर हियर. वेरी गुड मॉर्निंग माई फ्रेंड. वेरी गुड मॉर्निंग. एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन बट आई वुड लव टू हैव अ टॉक विथ यू. देखिए हर दिन आके हम ये सेशन ले रहे हैं, आपके लिए सवाले लेकर आते हैं, आप सवाल सॉल्व करते हो. इट्स अ वेरी गुड थिंग. वेरी वेरी गुड थिंग. बट व्हाट आई डू बिलीव दैट वी मस्ट डू समथिंग न्यू. तो आप लोग सजेस्ट करिएगा लाइक व्हाट काइंड ऑफ सेशन वी कैन टेक अदर देन दैट. व्हाट काइंड ऑफ सेशन वी कैन टेक CSI नेट के ऊपर और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं. ऑल्दो आवर बैचेस वी हैव स्टार्टेड विद द बैचेस मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड लाइक येस्टरडे आई वाज हैविंग अ टॉक विद देम. वी हैव स्टार्टेड विद नंबर सिस्टम. तो एक्चुअली क्या होता है ना, हाउ टू थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसा मैं आता हूँ यहाँ पे मल्टीपल सवाले कराता हूँ, इट्स अ गुड थिंग. बट व्हाट आई बिलीव, देखिए आप यहाँ पे क्यों हो, बिकॉज यू हैव वन टारगेट इन लाइफ, यू हैव वन एम इन लाइफ, राइट. वी हैव आवर एम्स इन लाइफ. सिंपल बात है. देखिए जिंदगी बहुत आसान है. जिंदगी में जीने के लिए कुछ काम करना पड़ता है और जीना भी पड़ता है. बहुत सारी चीज़ें होते हैं, उनमें से कुछ टारगेट जैसा आपका बहुत ही जिंदगी का एक छोटा सा लेकिन अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है कि CSIR नेट, राइट. अब सिंपल बात है, आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना है. तो आपको इस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप मानिए उसका एक सेक्शन है जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड. इसमें कितना मार्क्स होता है, 30 मार्क्स होते हैं. बस आपको उतना ही पढ़ना है एप्टीट्यूड जिससे आपको 30 में लेट से 20 मार्क्स मिल जाए. आपका टारगेट है सॉरी आपका टारगेट है 20 मार्क्स मिल जाना. बिलीव मी इससे ज्यादा महत्व इसमें नहीं है. किसी भी चीज में, किसी भी चीज में, किसी भी एग्जाम के लिए महत्व सिर्फ मार्क्स में होते हैं. लेट से यू आर स्टडीइंग फिजिक्स, ठीक है, और मानिए आपको स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना है. स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ना यानी जानना वो एक अलग बात है. उसमें एक साधना की जरूरत होते हैं और एग्जाम में मार्क्स लाना वो अलग बात है, ठीक है. तो अभी आपका टारगेट क्या है, अभी आपका टारगेट क्या है कि आपको 20 मार्क्स लाना है. तो आपको डायरेक्टेड स्टडी करना है. यू मस्ट नो कि आपको कितना पोर्शन पढ़ने से ये चीज आ जाते हैं. मैं मन से विश्वास रखता हूं कि अगर 24 लेक्चर्स यानी ऑनलाइन बैचेस में जो चलता है, कोई बच्चा वही 24 लेक्चर्स करता है तो वो डेडिकेटेड है. मतलब उससे ज्यादा जरूरत है ही नहीं, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत है ही नहीं. मैं क्यों बार बार आपको कहूं कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मत पढ़िए. जितना जरूरत है उतना आपको पढ़ना है CSIR नेट एप्टीट्यूड के लिए. एप्टीट्यूड में आपको 20 मार्क्स लाना है. 20 मार्क्स लाने के लिए हाउ टू थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. लाइक येस्टरडे आई वाज हैविंग अ टॉक विद माय स्टूडेंट. जैसे YouTube में आता हूँ, YouTube में आपके साथ बहुत सारे सवाल लेकर बातचीत करता हूँ. उसमें हाउ टू थिंक बहुत एक्सरसाइज होते हैं. आप सोचते हो कि ठीक है सर, इस सवाल को ऐसे कर रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं, राइट. हम भी ऐसे सोचेंगे, ऐसे करेंगे. बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. लेकिन बिलीव मी, यू नीड अ डायरेक्टेड प्लान, यू नीड अ डायरेक्टेड स्टडी. इट्स गुड दैट यू आर कमिंग एवरी डे एंड वी हैव ऑलरेडी हैड लाइक 3 weeks ऑफ लेक्चर्स जिनमें से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला. फ्रॉम नेक्स्ट वीक आई थिंक देयर विल बी अ गैप बिकॉज ऑफ दैट. बट व्हाट आई फील दैट देयर इज नो नीड ऑफ सो मच थिंग. You need a limited thing which are directed. Okay, very important thing. I don't want to misdirect you. तो मैं आपको कहना चाहता हूँ CSIR नेट एप्टीट्यूड के लिए आपको कैसे सोचना है चैप्टर वाइज. ये जो हमारे प्लान है 24 लेक्चर्स का जो मैं बार बार आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, वो 24 लेक्चर्स का प्लान ही काफ़ी है. आप उस चीज़ को कर सकते हो एंड देन इट इज़ मोर देन एनफ फॉर एप्टीट्यूड. नो नीड टू
फोकस एनीथिंग अबाउट एप्टीट्यूड आफ्टर दैट, बस उतना कर लीजिए। उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट जो है, आपका सब्जेक्ट पे भी वैसा ही डायरेक्टेड पढ़ाई करिए। इट इज नॉट नीडेड टू रीड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सेम गोज विद यूट्यूब लेक्चर्स, यूट्यूब लेक्चर्स को अटेम्प्ट करिए मोस्टली जब आप रिविजन करते हो उसके लिए। यानी लेट्स से आप आईएफएस के स्टूडेंट हो, आप सर के एक क्लास कर चुके हो, ठीक है, मानिए आप लाइक प्लांट फिजियोलॉजी का एक क्लास कर चुके हो, और क्लास करने के बाद आप उस पर्टिकुलर चीज को यूट्यूब में सर लेक्चर लेकर आ रहे हैं, तो आप बस हेडफोन लगाकर उस लेक्चर को सुनते रहिए, उतना ध्यान मत दीजिए। मानिए दो तीन काम और कर रहे हो तो आप उसको सुनते रहिए, तो कभी कभार क्या होता है आपका जो होता है रिविजन होते हैं। हमारे बहुत सारे रैंकर्स हैं, उन्होंने ये शेयर किया कि उन लोगों ने भी प्रिपरेशन के वक्त पे ये चीज किया था, यूट्यूब का जो लेक्चर है उसको वो रिविजन के तरह ट्रीट करते थे। अगर आप लोग सिर्फ यूट्यूब से प्रिपरेशन लेते हो बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों, लेकिन मुश्किल क्या होता है ना, अब मानो ये हमारे यूट्यूब का किसी भी जगह पे, ठीक है, लेट्स से दिस इज द यूट्यूब कंटेंट, दिस इज द यूट्यूब कंटेंट, ओके, इट्स लाइक फैला हुआ कंटेंट। अब ये जो चीजें हैं, दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स, एवरीथिंग इज वेरी एक्साइटिंग। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया एक दिन, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, आपने ये टॉपिक पढ़ लिया एक दिन, आपने सर से ये टॉपिक पढ़ लिया एक दिन, आपने सर से ये टॉपिक पढ़ लिया एक दिन। अब CSI NED जब आप एग्जाम देने के लिए जाते हो मेरे दोस्त, उस एग्जाम में सारे टॉपिक एक साथ आता है, ये बात तो आपको पता है, चाहे पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी, ये तो पार्ट गया। खैर, आपको अगर मैं टॉपिक लिस्ट के बारे में कहूँ, सब टॉपिक के बारे में कहूँ, तो ये सब मिलाकर सवाले आते हैं। तो CSI NET के आगे आपके दिमाग के अंदर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एक ऐसा ब्रेन मैपिंग होना चाहिए जहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कनेक्टेड हो जाते हैं। और ये कनेक्शन बनाने के लिए जो साधना की जरूरत है, वो साधना आपको घर बैठ के करना पड़ेगा। ये जो सारे सब्जेक्ट कनेक्टेडनेस मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब में अलग 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 चीजें आपको मिलेगा, सो इट्स बेटर दैट यू हैव दिस न्यूरल नेटवर्किंग। अगर आपके दिमाग में ये प्लानिंग हो चुका है, कैसे होगा, माने आप लाइव बैच में पढ़ चुके हो या प्रॉपर प्रिपरेशन ले चुके हो, प्रॉपर प्रिपरेशन मतलब स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्टेड। देखिए, मैं ये आप सोच सकते हो कि ये मैं अभी के अभी नहीं बता रहा हूं, आपके लिए ये मैं सोच कर आया हूं तो मैं बता रहा हूं। लाइक आई वॉज थिंकिंग दैट वॉट शुड बी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस। मे बी यू आर प्रिपेयरिंग, मे बी यू आर टेकिंग द प्रिपरेशन, मे बी यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स, बट आस्क योरसेल्फ वेदर इट इज स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्टेड और नॉट। अगर वो स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्टेड नहीं होगा तो आखिर में जाके आपको उतना ज्यादा मुनाफा नहीं मिलेगा। तो स्ट्रक्चर्ड एंड डायरेक्टेड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल बात है, ज्यादा चीज नहीं पढ़ना है। सिलेबस के हिसाब से जैसे लाइक बैचेस में होते हैं या कुछ भी, स्ट्रक्चर्ड तरीके से डायरेक्टेड तरीके से पहले सिलेबस को कंप्लीशन करना है। सिलेबस को कंप्लीशन करना मतलब सिर्फ यूनिट को खत्म करना नहीं, सिलेबस को कंप्लीट करना मतलब एक ऐसा तरीके से पढ़ना ताकि आपको PYQ आने लगे खुद, आपको PYQ खुद आना चाहिए। अब मानो PYQ आने लगा तो यानी कि आप प्रॉपर तरीके से CSI NET के लेवल पे प्रिपरेशन पे आ चुके हो, ठीक है, आप टेस्ट देते रहो। उसके साथ साथ अब आपके दिमाग में ये मैपिंग हो चुका है, टॉपिक लिस्ट का टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो चुका है। Now you are going to watch, let's say you are just directing your brain towards many of the YouTube lectures, और YouTube lectures में आपको मानिए ये मिल गया। अब ये टॉपिक आप जब पढ़ रहे हो, अच्छी बात क्या होगा, इसके साथ साथ आपको इसके बारे में जानकारी है, इसके साथ साथ आपको इसके बारे में जानकारी है, इसके साथ साथ आपको इसके बारे में जानकारी है, तब जाके आप उसको फायदेमंद कर सकते हो। Okay, it is very important to understand, आप इस तरीके को अपनाइए, ठीक है, क्योंकि हर मिनट इम्पॉर्टेंट है, हर वक्त इम्पॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ एक ही चीज़ मुझे मानना है कि हमारे साथ जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उनमें से जितने को, मतलब जितने बच्चे का ज़िंदगी बदलने वाले हैं, ज़िंदगी बदलने वाले हैं मतलब कि आपका जो भी सपना है वो
फुलफिल होने वाले हैं, तो दैट इज अल्टीमेट रिजल्ट। ओके, नो यूनिट इज अल्टीमेट, नो पर्टिकुलर टॉपिक इज अल्टीमेट, यू आर द अल्टीमेट। आपका रैंक अल्टीमेट है, कहां से मार्क्स ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, डजंट मैटर, बट यू आर द अल्टीमेट। आपका मेहनत, आपका स्ट्रगल, आपका प्लानिंग, आपका स्ट्रेटजी, दिस इज द अल्टीमेट। ओके, तो प्लीज वर्क विथ योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ टाइम। एक प्रॉपरली सबसे आगे आपके दिमाग में पूरा स्ट्रक्चर्ड और डायरेक्शन के साथ एक प्रॉपर पूरा सिलेबस या जो भी है आप जितना पोर्शन कवर कर रहे हो उसके बारे में जानकारी हो जाना चाहिए। वंस यू आर जस्ट ओवर विद दिस, देन यू कैन डू दिस। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द सीजन। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ ये बात, नेशनल साइंस डे कल था, ये थंबनेल मैंने नहीं लाया था आपके लिए, सो आई ब्रिंग इट टुडे फॉर यू, ब्यूटिफुल थिंग। ऑन नेशनल साइंस डे IFSC इज ऑफरिंग यू 50% ऑफ इन ऑल द लाइव कोर्सेस। ओके, सो हियर, सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सीरीज वी आर टॉकिंग अबाउट या अब फोकस CSIR नेट पे। और मैंने आपको कहा था बाकी दो तीन जितने भी दिन इस वीक में हम इस सेशन को करेंगे, मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ यानी क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ साथ दो तीन स्ट्रेटेजी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आई बिलीव दिस वीक, दिस विल बी द लास्ट वीक फॉर दिस लेक्चर। उसके बाद कुछ हम नया करेंगे थोड़ा गैप देकर, मैं सोचता हूँ कुछ क्रिएटिव तरीके से ताकि आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प मिले। ठीक है, तो लेट्स सी माई फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल ये क्या क्या है आज देख लेते हैं। सबसे पहले एक बेसिक परसेंटेज का सवाल, तो बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। बेसिक परसेंटेज बेस्ड है तो बेसिक कंसेप्ट से मैं बात करूंगा। सबसे पहले बताइए जवाब क्या होगा। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड माई फ्रेंड, वेरी वेरी गुड, फैंटास्टिक। अच्छा, आज दो तीन इंटरेस्टिंग सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, मैं लिखने वाला हूँ उन सवालों को, मैं देखना चाहता हूँ कैसे आप सोचोगे। ठीक है, एक दो ऐसा सवाल दूंगा जो अलग तरीके का है। अच्छा, 25% ऑफ 25% ऑफ ए क्वान्टिटी इज एक्स परसेंट ऑफ द क्वान्टिटी, वेर एक्स एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन ये है, ये परसेंटेज का सवाल में इजीएस्ट वे क्या है। मैं बार बार कहता हूं, लेट से आपको कहा गया है 25% ऑफ ए क्वांटिटी निकालने का, 25% ऑफ ए क्वांटिटी निकालने के लिए। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी का वैल्यू क्या होने से परसेंटेज निकालना सबसे आसान हो जाते हैं। क्वांटिटी का वैल्यू क्या होने से परसेंटेज का वैल्यू निकालना सबसे आसान हो जाते हैं। आप लोग कहोगे सर क्वांटिटी का वैल्यू अगर 100 पकड़ लेते हैं, जी हाँ, आपको एक बात समझना है, ये जो परसेंट है, सॉरी, इसका मतलब ही है पार 100, प्रतिशत पार 100 इसका मतलब है। तो मैं बार बार कहता हूं, जितने बार पढ़ाता हूं कि 25% ऑफ ए क्वांटिटी बोल रहा है, तो प्रतिशत जब भी ये वर्ड आएगा यानी पार 100 बताने की कोशिश है। तो अगर क्वांटिटी को 100 पकड़ते हो तो बच्चे बच्चे कह देगा सर 25% ऑफ 100 शुड बी 25, वेरी इजी, देयर इज नो एम्बिग्युइटी अबाउट इट, वेरी वेरी गुड, मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड आल्सो, राइट, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए 25 होते हैं, तो क्यों ना हम 25% ऑफ 25% ऑफ ए क्वांटिटी जो बता रहा है इसको हम 100 पकड़ लेते हैं। बिल्कुल सर, इसको अगर 100 पकड़ लेते हो, 25% ऑफ 100 क्या होता है, 25 होता है, उसका 25% क्या होता है, तो देखो 25 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100%,
अब देखो 25 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, अब देखिए 25 गुना 25 क्या होता है, 625 होते हैं, 625 भाग 100 यानी कि 6.25, ऑब्वियसली आप एक परसेंट आएगा तो 6.25%, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप फ्रैक्शन के बारे में सोच सकते हो, 25% मतलब क्या है, 25/100 यानी 25% के साथ 1/4 ये फ्रैक्शन का संपर्क है, तो 25% मतलब 1/4, ये 25% मतलब 1/4, और क्वांटिटी मानिए 100 है या फिर 1 है, कुछ भी करिए, तो 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ टोटल 1, सो दैट इज व्हाट, 1/16। 1/16 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट 6.25 माय फ्रेंड। तो दिस इज अनदर वे थ्रू व्हिच यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फ्रैक्शन से भी कर सकते हो लेकिन आपके एग्जाम सीएसआई नेट या गेट के लिए देयर इज नो नीड ऑफ फ्रैक्शन कैलकुलेशन, दिस इज मोर यूजफुल फॉर एसएससी सीजीएल और एग्जाम्स लाइक दैट। तो वो पर्सपेक्टिव में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, आपके लिए इट विल बी हेल्पफुल इफ यू जस्ट वर्क विद द 100। लेट्स मूव ऑन, ट्राई टू सॉल्व दिस, इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। Try to answer this question. क्या बात है? आकांक्षा, मंजू, सुवर्णा, आकांक्षा राठी, सुलग्ना शौरकर, क्या बात है जी, आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से सवाल कर रहे हो। इट्स नॉट दैट इजी टू सॉल्व इट फास्ट। इफ यू हैव अचीव दिस देन आई बिलीव देयर इज नो नीड ऑफ क्लास। क्लास का जरूरत है? ऑप्शन नंबर 1, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सॉरी, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू पीपल हैव सॉल्व। ओके, माय मेन क्वेश्चन इज हाउ यू पीपल हैव सॉल्व। देखिए, इन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 30% प्ले ओनली क्रिकेट, 20% प्ले ओनली फुटबॉल, 10% प्ले ओनली बास्केटबॉल, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, 15% play both basketball and cricket, 10% play both football and basketball, 15 students play no games, while 5% of the students play all three games. What is the total number of students? तो देखो तीन सेक्शन है, राइट, क्रिकेट, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। तो क्यों ना हम ड्रॉ करें क्रिकेट, क्रिकेट बॉल बास्केटबॉल, ठीक है। अब देखिए क्या बताया गया है कि अगर क्रिकेट होता है लेट से, ये फुटबॉल होता है और ये बास्केटबॉल होता है,
30% प्ले ओनली क्रिकेट. सॉरी, यहां पे 30% है, ओनली क्रिकेट आई एम मार्किंग, राइट? वेरी गुड. उसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, बताया गया है 20% प्ले ओनली फुटबॉल. तो ये जो जगह है ना, यहां पे 20% है. हाँ, सहमत हो मेरे साथ? बिल्कुल 20% है, ठीक है ना. 10% प्ले ओनली बास्केटबॉल. देखिए, दिमाग ठंड रखना बहुत जरूरी है. आप जब भी एग्जाम हॉल में भी ऐसे सवाल करोगे, बहुत शांति से करिएगा. 10% प्ले ओनली बास्केटबॉल, मतलब ये वाला जोन पे, ठीक है, ओनली. अब देखिए, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट. ओके, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट. फुटबॉल कहां पे है? यहां पे. क्रिकेट यहां पे है, मतलब फुटबॉल एंड क्रिकेट ये जो जोन है, इस जोन में 20% बच्चे हैं. लेकिन ये भी तो बताया गया है कि 5% ऑफ द स्टूडेंट प्ले ऑल द थ्री गेम्स, मतलब एकदम बीच में 5% बच्चे हैं. तो मतलब सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले 15% बच्चे होंगे. क्या ये समझ में आया? प्लीज मुझे बताइए, प्लीज मुझे बताइएगा जो मैं बता रहा हूँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. देखिए क्या बताया गया है, 20% ऑफ द स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट. अब 20% फुटबॉल एंड क्रिकेट खेलते हैं, तो ये जो पूरा जोन है यहाँ पे 20% होना चाहिए. बीच में 5% है जो तीनों ही गेम खेलते हैं, तो सिर्फ फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले 15% बच्चे होंगे. बहुत अच्छा, चलिए. उसके बाद क्या कहा गया है, 15% प्ले बोथ बास्केटबॉल एंड क्रिकेट. बास्केटबॉल एंड क्रिकेट 15%, तो यहाँ पे 10% होगा, क्योंकि ये जोन 15% कंटेन करते हैं. सहमत हो मेरे साथ आप? बिल्कुल सहमत होंगे. एंड 10% प्ले बोथ फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. फुटबॉल एंड बास्केटबॉल 10%, यानी ये 5% होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 10% है. 15 स्टूडेंट्स प्ले नो गेम्स. इससे बाहर भी कुछ स्टूडेंट्स है, मानिए ये पूरा एक सर जगह है, और इसके बाहर जो है 15 स्टूडेंट है जो इन तीनों गेम में कोई भी गेम नहीं खेलते. सिंपल बात है, ठीक है. अब देखिए सवाल में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट. बहुत अच्छी बात है. तो सबसे पहले देखिए कितना परसेंट यहाँ पे होते हैं, कितना परसेंट ऑफ स्टूडेंट. देखिए टोटल परसेंट कितना होता है, 100%. 100% मतलब क्या, 100% स्टूडेंट मतलब क्या, पूरा कलेक्शन. आप देखो अंदर ही अंदर क्रिकेट फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं. देखिए 30% आ गया, प्लस 20 और 10, ये ओनली वाला सेक्शन चला गया आपके पास. उसके बाद 15, 10 और 5. देखो सिंपल बात है, देख लीजिएगा मेरे दोस्तों, आपने 30 को यूज किया, 20 को यूज किया, 20 को यूज किया, ये तीन जगह चला गया. अभी 15, 10 और 5 ऐड कर सकते हो आप, हाँ या ना? तो ये तीन जगह चला जाएगा, 15, 10 और 5%, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. यस, और सर बीच का 5%, इसको भी आप काउंट कर लीजिए. तो क्या होगा सर, अंदर का हर जगह कंप्लीटली फिल हो गया. बहुत अच्छी बात है. बीच का और एक 5%, कुल मिलाकर कितना होता है जी, 30, 20, 50, 60, 15 plus 5, 20, 80, 90, 95%. माय फ्रेंड, क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल ये तीनों गेम मिलाकर 95% बच्चे ऑलरेडी चले गए. बाकी 100 में से 95 चला जाते हैं, तो क्या रह जाता है, 5% बच्चे. 5% यानी टोटल में 5% बाकी है, और वो उसी का वैल्यू है 15, क्योंकि आपको बताया गया है कि बाकी के बच्चे कुछ नहीं खेलने वाले हैं. तो 5% का मतलब 15 है, यानी कि 1% का मतलब 3 है. देयरफॉर 100% का मतलब 300 है. सवाल में यही पूछा गया है कि आपका टोटल पॉपुलेशन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट. तो आई बिलीव इट इज नॉट विजिबल टू ऑल ऑफ यू पीपल, व्हाट आई कैन डू ओवर हियर,
देख सकते हो आप यहाँ पे 100% यानी 300 हो चुका है। देखिए 100% यानी 300 हो चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग भूमिका सिंह जी। 5% 15, 1% 3, 100% 300। तो देखिए इट्स नॉट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड मैंने तो धीरे धीरे पढ़ाया ताकि आपको समझ में आ जाए। आपका ही दोस्त लोगों ने कितना जल्दी से जवाब दे दिया था। बस आपको ड्रॉ करना है, जहां पे जो बताया गया है उसको लिख लेना है और जल्दी से कर लेना है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। दोस हु गॉट द करेक्ट आंसर, एज आई कैन सी लाइक ऑलवेज यू पीपल गॉट इट करेक्ट, सो आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर यू। सो माई फ्रेंड येस यू आर करेक्ट, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 300। ओके लेट्स मूव ऑन। अब हम क्या करेंगे देखिए कि एक अनोखा सवाल मैं आपको देने वाला। If x is an integer, is x cube even? If x is an integer, is x cube even? One बता रहा है, 2x plus 2 even. दो बता रहा है 3x प्लस 1 इवन। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशियंट बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशियंट। स्टेटमेंट 1 is sufficient. Okay, we'll write down sufficient from now on as SUFF. Okay, these are called data sufficiency. बहुत सारे बैंकिंग के एग्जाम्स में भी आते हैं लेकिन वो अलग लेवल का सवाल है होता है, ये अलग लेवल का सवाल है। ये कौन सी एग्जाम का सवाल है मैं आपको बताऊंगा। पहले आप करिए स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशियंट बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशियंट, बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफ। ओके बी में बताया जा रहा है स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशियंट, सेम होगा ऑपोजिट टू ए, मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट बट स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशियंट। ठीक है ऑप्शन नंबर सी बताया जा रहा है बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर आर सफिशियंट बट नीदर 1 अलोन इज सफिशियंट, बोथ टुगेदर sufficient but neither alone sufficient।
दोनों एक साथ मिलकर सफिशियंट तो बन जाते हैं, लेकिन अकेले अकेले वो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ईच स्टेटमेंट एलोन इज सफिशियंट, डी बता रहा है ईच इज सफिशियंट, ईच एलोन, हर कोई अकेले अकेले में सफिशियंट है, और ई बताया जा रहा है पांच ऑप्शंस है, ठीक है। फिर से मुझे लगता है ये करना पड़ेगा, जस्ट वन मिनट। ई बताया जा रहा है क्या, ई में बताया जा रहा है स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर आर नॉट सफिशियंट, टुगेदर नॉट सफिशियंट, एक साथ मिलके भी सफिशियंट नहीं है, बता है ना जब क्वेश्चन, टुगेदर नॉट सफिशियंट। तो बाकी दिन मैं आपके लिए आज उतना मुझे वो नहीं मिला, आई वॉज प्लानिंग जस्ट टू पुट दोज क्वेश्चंस हियर बट आई डिडंट हैव दिस टाइप, आई ट्राइड टू कॉपी, सो फ्रॉम द नेक्स्ट आई विल ब्रिंग सच क्वेश्चंस ऑन द पीपीटी आल्सो, ओके, जो थोड़ा सोचने लायक होंगे। बताइए, ये सवाल आया था जीमैट एग्जाम में, आपको पता है बाहर में जितनी यूनिवर्सिटीज है, लाइक इफ यू वॉन्ट टू परस्यू MBA फ्रॉम हार्वर्ड, MBA फ्रॉम बाहर से यूनिवर्सिटीज में आप MBA करना चाहते हो, डिफरेंट एग्जाम्स देना चाहते हो, सो GMAT इज आस्किंग सच क्वेश्चन। बताइए व्हाट डू यू थिंक इस क्वेश्चन के बारे में, क्या मानना है नाउ व्हाई आई एम ब्रिंगिंग सच क्वेश्चन, कुछ नहीं, आपका सोच डेवलप होगा। बताइए, एप्टीट्यूड का सवाल है, x इज एन इंटीजर, इस x cube क्या इवन होगा, इस सवाल का जवाब देना है, मैं आपको समझा देता हूं, x cube क्या इवन होगा, ये सवाल का जवाब देना है। इस सवाल का जवाब देने के लिए क्या एक नंबर सफिशियंट होगा, अगर 2x plus 2 इवन होगा तो ये हो जाएगा, या फिर 3x plus 1 इवन होगा तो फिर ये हो जाएगा, दोनों एक साथ इवन होगा तो फिर ये हो जाएगा, या फिर अकेले अकेले में भी ये नहीं हो पाएगा। सॉरी, क्या लगता है व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शिवाजी चौहान आर यू गेसिंग और आर यू श्योर अबाउट इट, ऑप्शन बी वाज सेइंग दैट मींस दैट स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट वन इज नॉट सफिशिएंट। Jennifer, are you there? Can you answer this? Akanksha, are you there? Shibaji keh raha hai sir, sure. Let's see Shibaji. Opposite to B. Okay. Okay, Isha Roy Choudhury is giving some particular logic that if I take x equal to 2, then x cube is even, and in statement 1, using x equal to 2 is even, by using x equal to 2 in x is odd, then it is the way. Option A is the correct one. Achha, theek hai, aapne kuch kiya, kuch karke aapne bataya. Option A is the correct one. I'll get to it. सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझदार बनिए। आपको सवाल में क्या पूछा गया है बताया, आपको समझ में आना चाहिए कि इस x क्यूब इवन, इसका जवाब देना है आपको, देखिए इसका जवाब देना है। अब इसका जवाब देने के लिए क्या सफिशियंट, सफिशियंट मतलब क्या है, ओके, कि सफिशियंट मतलब क्या है, लेट से इफ आई विल से कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होने के लिए सनलाइट एंड वाटर and an environment where you know, let's say carbon is there, carbon monoxide is there or something like that, sorry my friend,
If I'll ask you that is these things are sufficient, is these things are sufficient कि water, और अगर मैं कहूँ कि sunlight is going to be available there, is it sufficient? आप कहोगे ठीक है. तो वैसे ही क्या आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए ये sufficient है 2x plus 2 is even और 3x plus 1 is even. शिवाजी equation 1 में both odd and even values x given equation 1 is sufficient. While in case of 2, it can be even. चलो देख लेते हैं. हरविंदर कौर इज सेइंग 1, भूमिका सिंह इज सेइंग डी, टुगेदर नॉट सफिशिएंट. कैसे सोचा जाए इन सवालों को? तो देखिए सिंपल बात है. अब 2x plus 2 मानिए इवन है, ठीक है. अब 2x plus 2 let's say इवन है, तो आपका अगर 2x plus 2 इवन होगा ठीक है. शिवाजी हैज सम लॉजिक, विल ट्राई टू डू दैट. अगर 2x plus 2 इवन होगा, लेट्स टेक वन एग्जांपल ना, कि मानिए ये एक इवन नंबर हो रहा है, लेट्स से 4 हो रहा है, तो 2x का वैल्यू क्या होगा? 2x का वैल्यू हो जाएगा, आप देख सकते हो 2x का वैल्यू इस तरफ लेकर 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 और x का वैल्यू हो जाएगा 1. तो क्या x क्यूब इवन आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, आप देख सकते हो. सो डेटा सफिशिएंसी देखने के लिए आपको हमेशा, फिर से वही बात कि इस सवाल को देखकर आपको लग सकता है कैसे सोचना है. द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन इज टेकिंग सम बेसिक फंडामेंटल एग्जांपल. आपने 2x plus 2 को 4 ले लिया, आप 2 भी ले सकते थे, एनीथिंग यू कैन टेक, यू जस्ट ट्राई टू टेक समथिंग, दैट इज द ओनली स्टेप. 2x plus 2 equal to 4, 2x becomes 2, x becomes 1. If x becomes 1, x cube is even, it should be, but x cube is not even. तो आप देख सकते हो अगर ये even होगा, कोई guarantee नहीं कि ये होगा. तो ये तो कह सकते हो 1 alone is sufficient, ये बात sorry नहीं कह सकते, 1 alone is not sufficient. अगर ये होता है, let's say 3x plus 1 अगर even होता है, let's say 3x plus 1 even है, ठीक है, 3x plus 1 अगर इवन होता है तो क्या हो जाते हैं? मानिए थ्री एक्स प्लस वन मानिए इवन है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. अगर आप एग्जांपल लेना चाहते हो, एग्जांपल में 4 ले लीजिए इवन, तो 3x क्या बनेगा? 4 माइनस 1 3, एक्स का वैल्यू क्या बनेगा? 1 बन गया. x का वैल्यू अगर 1 बन गया, फिर से वही बात है, क्या x क्यूब इवन होगा? नहीं जी, x क्यूब इवन नहीं हो रहा है. तो आप जो कह रहे थे शिवाजी जी, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट कहां पे हो रहा है शिवाजी? 3x plus 1 अगर इवन पकड़ते हो, लेट्स से आपने 4 पकड़ लिया, तो क्या आ रहा है x का वैल्यू शिवाजी? आप मुझे बताइए, समझाइए. आपने जो कहा कि सर स्टेटमेंट 2 जो है ना, वो अलोन सफिशिएंट है, स्टेटमेंट 2 यानी 3x plus 1 अगर इवन होगा तो x क्यूब भी इवन हो जाएगा, कहां पे आ रहा है मुझे बताइए? तो क्या सोचकर आपने किया था ये सवाल? आपके जैसा ही बच्चे देते हैं, मतलब मानिए जो ग्रेजुएट होते हैं इंडिया में, बहुत सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है फॉरेन कंट्रीज में, आपको पता होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है जीमैट. सिर्फ इंडिया के बच्चे नहीं, पूरा दुनिया के बच्चे देते हैं. तो आज की डेट में आपके ही जैसा स्टूडेंट्स, जो मानिए साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी डिसिप्लिन से हो, ये सारे एग्जाम में अपीयर कर रहे हैं. तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जो है, यही तो हमको सोचना है. मुझे बताइए आपको क्यों लगा शिवाजी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है, इनमें से 2 सफिशिएंट है? मैंने तो अभी के अभी देखा कि 2 में एक सिंपल एग्जांपल लेकर ही x का वैल्यू 1 आता है, जो दर्शाते हैं कि x क्यूब इज नॉट एन इवन. क्या हो जाएगा? अच्छा, बोथ टुगेदर सफिशिएंट. अब देखना है दोनों अगर एक साथ होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है.
बोथ टूगेदर सफिशियंट, नाइदर एलोन इज सफिशियंट, ये वाला ऑप्शन है, नाइदर एलोन इज सफिशियंट, ये तो हो गया। तो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू नहीं हो सकता, ए और बी नहीं हो सकता। अब देखिए बोथ एक साथ अगर होता है तो क्या हो सकता है, तो आपको क्या बताया गया है, बोथ एक साथ होता है मतलब 2x प्लस 2 भी इवन है और 3x प्लस 1 भी इवन, ठीक है, बताइए, कम्युनिकेट करिए, देयर इज नो आंसर, ओके। तो अब देखिए अभी दोनों एक साथ इवेंट होना पड़ेगा। अब दोनों एक साथ इवेंट कब हो सकता है, लेट्स टेक एग्जांपल, देखिए x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हो तो दोनों का ही वैल्यू इवन होता है, हाँ या ना, फॉर x इक्वल टू 1 बोथ विल बी इवन और नॉट, फॉर x इक्वल टू 1 बोथ विल बी इवन और नॉट, यस इट विल बी इवन। लेकिन सर x इक्वल टू 1 में दोनों इवन है लेकिन x क्यूब खुद इवन नहीं है, तो दोनों एक साथ अगर सेटिस्फाई भी करता है तो ये सफिशियंट नहीं होता है कि x क्यूब इवन बन जाए, मतलब ये वाला ऑप्शन भी चला गया मेरे दोस्त, ये भी नहीं हो सकता, ईच एलोन इज सफिशियंट तो नहीं होगा, सो टुगेदर एक साथ मिलकर भी ये सफिशियंसी नहीं प्रूव कर सकता है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने ई बताया था, किसी ने ई बताया, शुलग्ना आप बताइए, तो कोई किसी ने ई नहीं बताया, क्यों मुझे बताइए, सच में बताइए, क्या ये डिफिकल्ट था? तो ये जो एप्टीट्यूड का सिलसिला चल रहा है, नया टाइप का क्वेश्चन देखकर ऐसा क्यों होगा मेरे दोस्त? मैं बार बार आपको कहना चाहता हूं कि आपको खुद को एक ऐसा पर्सन बनना है कि ऐसे सवाल को खुद एनालिसिस करना है, हमेशा प्रिपरेशन किसी जगह से पढ़ना या ये बातें नहीं, आपको धीरे 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 धीरे, देखिए 11 12 के बाद से जेई का कोचिंग, नीट का कोचिंग, हमेशा ये माहौल बनते हैं ना, कोचिंग में हम सीखते हैं, लेकिन एक उम्र के बाद जाके आपको किसी भी एग्जाम देने के लिए खुद प्रिपेयर कर सकता हूँ, इस लेवल का कॉन्फिडेंस लाना है। तो मैं चाहता हूँ आप में वो बात आए, आप ऐसे सवाल को लेकर खुद सोचिए, गलती होगा, गलती होने के बाद सीखोगे, ठीक है। मेरे बारे में अगर मैं कहूँ, मैं कहाँ से सीखा बताइए, मैं खुद जीमैट नहीं दिया, राइट, मैंने कुछ जीमैट एग्जाम खुद थोड़ा ही दिया, नहीं दिया ना, लेकिन अगर मुझे आप जीमैट का क्वेश्चन देकर बैठाओगे तो मैं सोच पाऊंगा, वैसे आपको भी खुद को सोचना है। एक्सप्लेन अगेन सर, शिवाजी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए शिवाजी बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि आपको बताया गया है x इज एन इंटीजर, इस x क्यूब इवन, क्या x क्यूब इवन हो सकता है, ये सवाल है। एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब तो आपको पता है, इस x क्यूब इवन, ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का जवाब को आपको देना है ऑप्शन वन या ऑप्शन टू से। आपको बताया गया ऑप्शन वन में 2x प्लस 2 इवन, ऑप्शन टू में बताया गया है 3x प्लस 1 इवन। यहाँ पे बताया गया है स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट बट स्टेटमेंट टू अलोन इज नॉट सफिशियंट, ये सवाल है। तो अगर आपको इस सवाल का जवाब देना है तो आपको बोलना है स्टेटमेंट वन सफिशियंट है क्या ये बताने के लिए। तो पहले ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशियंट, लेट्स से 2x प्लस 2 इवन, तो 2x प्लस 2 इवन होगा, कुछ भी हो सकता है, मानिए 4 हो रहा है, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो x क्यूब इवन आ रहा है शिवाजी, नहीं आ रहा है ना, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्या वो सफिशियंट बन रहा है इसको बोलने के लिए, नो इट इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल है हमारे पास शिवाजी, जहां पे x का वैल्यू 1 होने के नाते ये इवन तो बन जाता है लेकिन x क्यूब इवन नहीं बनते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ऑप्शन 1 सफिशियंट है, ऑप्शन 2 भी आप सफिशियंट नहीं कह सकते हो क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए ये तो इवन है लेकिन वो भाई साहब नहीं है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 अलोन आर नॉट सफिशियंट। अब मानो दोनों एक साथ इवन है तो आपको देखना है x का कॉमन वैल्यू होना चाहिए क्योंकि दोनों एक साथ हो रहा है, तो x का कौन सी ऐसा वैल्यू है कि दोनों ही इवन हो रहा है, देखो x इक्वल टू 1 के लिए दोनों ही इवन हो रहा है, तो x इक्वल टू 1 के लिए दोनों ही इवन हो रहा है मतलब दोनों एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन x क्यूब फिर से इवन नहीं हो रहा है, तो आप देख सकते हो यानी दोनों एक साथ भी सफिशियंट नहीं है डिनोट करने के लिए कि x क्यूब इवन होगा। माय फ्रेंड फाइनली
आप देख सकते हो कि दोनों एक साथ मिलकर भी सफिशियंट नहीं होता है ये बोलने के लिए। क्लियर हुआ शिवाजी आपको? शिवाजी इज दैट क्लियर टू यू, यस और नो? शिवाजी फटाफट से बताइए। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया। चलो ये सवाल बाद में करेंगे, और भी सवाल मैं लेकर आया हूं। सिंपल क्वेश्चन करिए, जीमैट जीमैट का ही है। इफ सीएसआर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वैसे ही टॉपिक मैं उठा रहा हूं। इफ टू टू द पावर 2x minus 1, if 2 to the power 2x minus 1 that is equal 8 to the power y, then x in terms of y equals, then x in terms of y equal equals, तो दिस इज ऑन बेसिक एक्सपोनेंट जिसके ऊपर सी एस आर भी बहुत सवाल पूछ लेते हैं। बताइए 2 टू द पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल 8 टू द पावर y, देन x इन टर्म्स ऑफ y इक्वल्स। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बताइए, बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। जल्दी से इस सवाल का जवाब बताइए। वेरी वेरी गुड AGS SMS, मंजू गणेश, ईशा रॉय चौधरी, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। कैसे करना है? 2 टू द पावर 2x माइनस 1, 8 टू द पावर y है यानी 2 टू द पावर 3y, क्योंकि 2 क्यूब का वैल्यू 8 होता है, राइट? आपको पता है। अब दोनों इक्वल करिए, 2x माइनस 1 आपको पता है कि पावर को हम इक्वल कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स के, राइट? So, क्या आता है 2x minus 1 equal to 3y, आपको क्या चाहिए? Then x in terms of y, so 2x क्या बन जाएगा 3y plus 1, x क्या बन जाएगा 3y plus 1 by, very very good those who got the correct answer, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने सही जवाब ढूंढकर निकाला तो। सॉरी,
sorry just one minute 3 years older than Lilium. And Medium is 1 year older than Joan. And Medium is Brilliant question. देखिए CSI net में जब भी नया सवाल आते हैं आपको लगता होगा कहां से आते हैं, इन सारे एग्जामों से आते हैं. ओके, दे फॉलो द पैटर्न ऑफ सच इंटरनेशनल एग्जाम्स. क्योंकि इससे पहले इनफैक्ट अभी भी जो बेसिक लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स इंडिया में होते हैं वहां पे इस लेवल का एप्टीट्यूड का सवाल आते ही नहीं है. वहां पे जो सवाले आते हैं वो बिल्कुल एनालिटिकल नहीं होते हैं, वो क्लास यानी स्कूल का मैथमेटिक्स होते हैं. अगर आप सीजीएल देने के लिए जाओगे आपको स्कूल एल्जेब्रा पूछा जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसमें वक्त जल्दी करना मुश्किल होता है, वही कंपटीशन होता है. लेकिन सीएसआर नेट इज द ओनली एग्जाम, गेट इज द ओनली एग्जाम जहां पे एफटी का सवाल आता है, कैट इज द ओनली एग्जाम जहां पे एफटी का सवाल आता है. एफटी का सवाल मतलब जहां पे थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग जरूरत हो. सीजीएल का एग्जाम में आप जाओगे तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाला सवाल नहीं देते हैं. ओके, तो दिस एग्जाम्स आर क्रिटिकल थिंकिंग एग्जाम. सोचिए बताइए कैसे होगा. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम जीमैट. बताइए क्या होगा आंसर. है ना बढ़िया सवाल हो तो रहा है ना, बहुत इजी है, आसान है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. सारे स्टूडेंट 54 बता रहे हैं, क्या बात है. सॉरी तो क्या बताया गया है जी, देखिए जोआन, काइली, लिलियन एंड मीडियम ऑल सेलिब्रेट देयर बर्थडेज टुडे. जोआन इज 2 years यंगर देन काइली, काइली इज 3 years ओल्डर देन लिलियन and Miriam is 1 year older than Joan. Which of the following could be the combined age of the all four women today? Easy है, right? Easy है, लेकिन interesting है. कैसे easy है? देखिए जरूर easy है, easy है इसीलिए तो दिया मैंने. कैसे करना है? तो देखिए किसी एक्स को पकड़ लीजिए. जोआन इज 2 years यंगर देन काइली. ओके, सो लेट्स से काइली जो है एक्स है, जोआन क्या होगा? 3 years यंगर देन काइली.
तो जोआन विल बी दिस. उसके बाद काइली इज 3 years ओल्डर देन लीडियन. तो लीलियन क्या होगा? x माइनस 3, क्योंकि काइली इज 3 years ओल्डर देन लीलियन. ओके, देन मीडियम इज 1 years ओल्डर देन जोआन. अब मीडियम का जो होगा उससे 1 साल ज्यादा होगा जोआन का, कोई बात नहीं, ठीक है. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कंबाइंड एज ऑफ द फॉर ऑल फोर वुमेन वीमेन टुडे. बहुत अच्छी बात है. तो देखिए सिंपल बात है कि अगर आप इसको ऐड करोगे क्या आते हैं? इजी है, बहुत अच्छी बात है. तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, क्या होगा? देखिए अच्छा, जोआन तो पता है, जोआन को वहां पे बताया. अच्छा, मीडियम इज 1 year ओल्डर देन जोआन. तो मीडियम इज 1 year ओल्डर देन जोआन. तो मीडियम क्या होगा? x माइनस 2 से प्लस 1, x माइनस 1. चारों का सम अगर निकालोगे, x प्लस x प्लस x प्लस x, क्या आता है? 4x होगा. माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1, यानी माइनस 6 होगा. अब इसका वैल्यू क्या ले सकते हो आप? ये टोटल सम है चारों वीमेन का. इसका जो सम है आप देख सकते हो, सम जो है 51, 52, 53, 54 कुछ भी हो सकता है. लेट से 51 पकड़ते हैं. 51 पकड़ने के बाद देखिए 6 प्लस 51 क्या होता है? 57, जो 4 से डिविजिबल होता नहीं है. यानी कि काइली का उम्र जो है वो इंटीजर में नहीं आएगा, क्योंकि आज उसका बर्थडे कंप्लीट हो रहा है. तो आज उसका बर्थडे जो भी आना चाहिए, जो भी उसका उम्र आना चाहिए, तो सबका बर्थडे कंप्लीट हो रहा है, तो जो भी उम्र आना चाहिए दैट शुड बी अ इंटीजर, दैट शुड बी अन इंटीजर. क्योंकि इंटीजर होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट शुड नॉट बी इंटीजर. अगर 51 होगा तो नहीं हो सकता. अगर 52 होगा तो 52 प्लस 6 58 फिर से नहीं हो सकता. हाँ या ना, होगा क्या? नहीं हो सकता. 53 होगा, 53 प्लस 6 नहीं हो सकता. 54 अगर होगा माय फ्रेंड, 54, तो 4x क्या हो जाएगा? 6 प्लस 54 60, x क्या हो जाएगा? 15. That's why it is fine. क्लियर है? बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है. x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस, अपने वाह, हाँ बहुत अच्छी बात है. तो जो भी करिए शिवाजी, मेन मुद्दे की बात यह है कि ऐसे सवाल देखिए कितना सिंपल आइडिया है, कितना सिंपल आइडिया है, कितना कितना बेहतरीन सवाल बनाया उन लोगों ने, राइट? कितना बेहतरीन सवाल बनाया मैंने, इच्छा करके ही इजी सवाल आपको दिया. एक एक करके मैं लेवल बढ़ा रहा हूं.
करिए क्या लगता है ओके पीपल वॉन्ट टू से ऑप्शन सी. सबसे पहले बताया कौन, अरविंदर कौर जी ने. अच्छा वो लास्ट वाला था. आकांक्षा, शुलोगना, शिवाजी, सुवर्णा, अक्षु, मंजू. आपको क्या बताना है, ए प्लस बी सी प्लस डी से ज्यादा है, यस और नो. अच्छा हरविंदर कौर बता रही है कि सर नहीं यही था. अच्छा ठीक है चलो देख लेते हैं. ठीक है सी बताया आपने, मतलब बोथ टुगेदर आर सफिशिएंट, नाइदर ऑफ देम अलोन. लेट्स सी. अच्छा ये तो बहुत आसान दे दिया मैंने, बहुत ही आसान दे दिया. राइट देखो ए अगर सी से ज्यादा बड़ा है, ए अगर सी से ज्यादा बड़ा है तो क्या a प्लस बी और c प्लस डी भी ज्यादा बड़ा होगा? कोई गारंटी है कि है नहीं है, बताइए. अगर मानिए लेट से 6 4 से बड़ा है और b और d क्या है किसी को कुछ नहीं पता. राइट और b को आप ऐसे ले लो, लेट से मानते हैं कि b का वैल्यू है 2 और d का वैल्यू है 6. तो अगर आप a प्लस बी करोगे ना, a प्लस बी करोगे ये 8 आएगा, 4 प्लस 6 करोगे 10 आएगा. तो ये थोड़ा ही हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. तो माय फ्रेंड ऑब्वियस बात है कि अगर सिर्फ ये रहेगा तो इसके ऊपर ये सफिशिएंट नहीं बन सकता. सिमिलरली d अगर b से छोटा होगा, देखो d छोटे तरफ पे है, b अगर b से छोटा होगा ये भी नहीं होगा. ये बहुत ही आसान सवाल था आप लोगों के लिए. तो ये भी अकेला नहीं हो सकता, ये भी अकेला नहीं हो सकता. लेकिन दोनों अगर एक साथ हो जाते हैं तो आपको पता है a greater than c है और b greater than d है, दोनों को ऐड कर दो, a plus b greater than c plus d हो जाएगा. बहुत ही आसान है, मजा आया होगा आपको करने के बाद, बहुत ही इजी है. राइट क्या नो नहीं ना क्या क्या बता रहे थे. अच्छा समझ में आ गया. अब चलो थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं ना, सब कुछ इजी नहीं बन सकते, अब थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं. चलो
डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस इंटरेस्टिंग, नथिंग इज डिफिकल्ट, इट्स इंटरेस्टिंग. ओके, तो इस एक्स एंड वाई आर इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स इज फाइव एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाई फाइव. ठीक है, ये बताना है आपको. ऑप्शन वन, एक्स इज डिविजिबल बाई फाइव, एक्स इज डिविजिबल बाई फाइव. ऑप्शन टू, वाई इज डिविजिबल बाय, बहुत आसान है, बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है. Harbinder Kaur is saying B. Asma is saying 2. Shibaji is saying 2. Achha. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो देखिए सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. इंटरेस्टिंग है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा. अच्छा है ना सवाल है. दो दिन के बाद CSIR भी इसी लेवल का सवाल पूछने वाले हैं. ठीक है, आज के डेट में अगर आप जाओगे कैट एग्जाम देने, कैट एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे सवाल क्या आया है, इफ एक्स एंड वाई आर इंटीजर्स इज 5x प्लस वाई डिविजिबल बाई 5. अब देखिए सिंपल सेंस के ऊपर सवाल है, x इज डिविजिबल बाई 5, वाई इज डिविजिबल बाई 5. तो आपको बोलना है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशियंट है. बहुत ही इजी सवाल है, आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब भी दे दिया. तो देखिए सिंपल बात है कि 5x प्लस y डिविजिबल बाय 5 होना है. तो सिंपल बात क्या है, और एक पेज ले लेता हूं मैं. फाइव एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाई 5 होना है. ठीक है ना, अब सिंपल बात है, अगर आप ब्रेक करोगे लेट्स से ये ऐसा है 10, 5x, x का वैल्यू लेट्स से 10 है, तो ऑब्वियस बात है x का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लेट्स से x का वैल्यू 10 है, 2 है, ये 10 है, और y का वैल्यू 5 है, तो ये पूरा सम 15 है माई फ्रेंड. 15 को आप अगर 5 से डिवाइड कर सकते हो तो सिंपल भाषा में आप 5 को भी कर पाओगे और 10 को भी कर पाओगे. ये बचपन का एक छोटा सा आइडिया है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं कन्वे कर रहा हूं फिर से. अगर कोई नंबर लेट से 15 है, 15 को आप ऐसा ब्रेक कर रहे हो, आपको बताया 15 किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3, 15 डिविजिबल बाय 3 है. आप 15 को आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो, लेट से यहाँ पे 12 है जो 3 से डिविजिबल है, तो बाकी पोर्शन जो रह जाएगा वो भी 3 से डिविजिबल होना ही है.
मानो आप 15 को ऐसे डिवाइड कर रहे हो, लेट से ये 9 है, तो 9 तीन से डिविजिबल है, तो बाकी जो सेक्टर रहेगा जो 6 आएगा वो भी तीन से डिविजिबल होना ही है। तो सिंपल बात है, क्योंकि 15 तीन से डिविजिबल है, तो उसका हर एक पार्ट, अगर एक एक पार्ट तीन से डिविजिबल होगा, दूसरा भी तीन से होना चाहिए, सिंपल बात है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 5x देख पा रहे हो, 5x x का किसी भी वैल्यू के लिए 5 से डिविजिबल बन जाएगा। ओनली पार्ट इज दैट कि अगर y डिविजिबल बाई 5 बन जाएगा तो ऑब्वियसली ये पूरा नंबर जो है डिविजिबल बाई 5 बन जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि y इज डिविजिबल बाई 5 होने से ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट। सर फर्स्ट क्वेश्चन में ट्रिक समझ आ गया था, अब इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशियंट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बहुत जल्दी से आप कर पाओगे। इस एग्जाम में क्या होता है ना, इस एग्जाम में जो होता है सारी चीज बेसिक सा होते हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रिएटिव सवाल आते हैं। बेसिक फैक्ट के ऊपर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं जो देखकर आपको लगेगा अरे यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सर इफ आई डू दिस क्वेश्चन बाई यूजिंग वैल्यूज देन ऑप्शन डी इज कमिंग एज द करेक्ट आंसर। अच्छा सर अब क्लियर हुआ, बहुत अच्छी बात है ईशा। तो बहुत ही सिंपल बातें हैं, सिंपल सवाल है। करिए हाइड्रोजन ऊपर जाएंगे
बताइए जवाब क्या होगा। मंजू गणेश इज सेइंग डी, व्हाट अबाउट अदर्स? क्या बता रहे हो, 9y = x नहीं हो सकता? हाँ तो देखते हैं जवाब क्या है। सॉरी, अच्छा मंजू गणेश से डी डी डी, आकांक्षा राठी डी, शिवाजी डी, सुलग्ना डी, भूमिका ई, अक्षु डी, हरविंदर ई, AGSSMS ई। जिन लोगों ने भी ई कहा, कैसे कह रहे हो आप जी? आपको बताया गया है टू डिजिट नंबर है एक्स वाई, 9y = x नहीं हो सकता। वाई का वैल्यू अगर 1 पकड़ लेते हो तो एक्स का वैल्यू 9 आ जाएगा, तो ये नंबर जो है 91 होगा। क्या ये नहीं हो सकता? किस एंगल से आपको लगता है ये नहीं हो सकता? आराम से हो सकता है कि एक्स का वैल्यू 9 है और वाई का वैल्यू 1 है, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट इट, यस और नो? तो ऐसी ही तो बात है ना, अगर आप एक्स को इस तरफ लेते हो तो वाई का वैल्यू 2x होगा। हमेशा हो सकता है वाई का वैल्यू 2x, 1 ले लो, 2 ले लो, 2 ले लो, 4 ले लो, क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। x equal to y हो ही सकता है 11, 22, any of the number. 4x equal to y भी आसानी से हो सकता है, क्योंकि x का वैल्यू 1 ले लीजिए, y का वैल्यू 4 आ जाएगा, 14 is the number. सिर्फ और सिर्फ ये नहीं हो सकता मेरे दोस्त, क्योंकि दो डिजिट के बीच में गैप कभी भी 9 डिजिट क्या क्या होता है? देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, ये पॉजिटिव डिजिट्स है। पॉजिटिव सिंगल डिजिट मतलब 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। तो आपको ये समझना है 1 से लेकर 9 तक कोई भी दो डिजिट चुन लीजिए, उनके बीच में डिफरेंस कभी 9 हो ही नहीं सकता। डिफरेंस 9 बनने के लिए एक 0 बनना पड़ता है, और 0 एक पॉजिटिव नंबर है नहीं। कितना बेहतरीन सवाल है, देखिए कितना आसान है, एकदम बच्चों जैसा एक कंसेप्ट है, लेकिन उसके ऊपर आधारित एक सोचने लायक सवाल है। तो मैं यही कह रहा था कि आपको यही चीज प्रैक्टिस करना है, बेसिक चीजों के ऊपर बेस करके जो सवाले होते हैं उन सवाल में कैसे सोचना है आप देख सकते हो। दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। सो एनीवे माय फ्रेंड, आई होप ये सवाल है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बताइएगा जरूर, मैं लाने की कोशिश करूंगा। एक सवाल है CSINF का, ये कर लीजिए, बस खत्म करेंगे उसके बाद, जल्दी से इसको कर लीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून।
बहुत अच्छी बात, बहुत ही आसान सवाल है, सीएसआई नेट ने पूछा था। सवाल में क्या बताया गया है, देखिए बताया गया है कि एवरेज 85 है, पांच कोर्सेस में ये मिला है, पांच कोर्सेस में ये मार्क्स मिला है, सिक्स में क्या मिला है पता नहीं है, एवरेज स्कोर क्या है 85 है। तो सिंपल बात है, आप नॉर्मली कर सकते हो कि 85 मल्टीप्लाइड बाय 6 टोटल जो आते हैं उसमें ये सब्ट्रैक्ट करके। मैं और एक तरीका दिखा देता हूं जो आपको अच्छा लग सकता है। 85 एवरेज है मतलब सबको इक्वली आपने दे दिया 85 85 85। अब आपको यहां पे बताना है कि यहां पे मार्क्स क्या है। देखिए यहां पे कितना ज्यादा है, यहां पे कितने ज्यादा है, यहां पे कितना कम है, यहां पे कितना कम है, यहाँ पे कितना ज्यादा है, ये काउंट करिए क्या होता है। 6 + 1 = 7 7 7 14 ज्यादा है, 14 - 10 मतलब 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है मतलब इन दोनों चारों में साम 4 ज्यादा है, इसका आंसर आएगा 81। समझ में आ गया आपको, समझ में आया कि नहीं आया बताइए प्लीज। मैंने क्या किया, समझ में आया आपको, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए मैंने जस्ट बैलेंस किया, मैंने देखा टोटल 85 है तो हर टैंक में पानी 85 लीटर है, कहाँ पे कितना पानी ज्यादा है, इसमें 6 लीटर ज्यादा है, इसमें 1 लीटर ज्यादा है, यहाँ पे 4 लीटर कम है, सॉरी यहाँ पे 4 लीटर कम है, यहाँ पे 6 लीटर कम है, यहाँ पे 7 लीटर ज्यादा है। टोटल कैलकुलेट करके देखा मैंने, इन पांचों टैंक को मिलाकर 4 लीटर पानी ज्यादा है, तो यहाँ पे 85 था, 4 लीटर कम हो जाएगा, यहाँ पे 81 आ जाएगा। क्लियर हुआ? सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, वाओ मेथड, यस द आइडिया ऑफ वाओ मेथड आई हैव अप्लाइड। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन, यू हैव लर्न समथिंग न्यू माई फ्रेंड, ऑल्दो आई गेट बोर्ड आउट ऑफ दिस सेशन, बार बार एक ही जिनिस कराना पड़ता है, बट आई होप आपको मैं बार बार पूछता हूँ, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग, आई ब्रिंग फ्यू क्वेश्चन ऑफ जीमैट ऑल्दो फॉर दिस वीक, नेक्स्ट वीक से ये सेशन नहीं होगा, ठीक है, और बहुत ही जल्दी मैं आऊँगा। क्या लेकर आ सकते हो मुझे आइडिया दीजिएगा, ठीक है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स क्या लेकर आ सकता हूँ। मैं आपको ये बता दूं, PYQ डिस्कशन कोर्स ये लाइव हो चुका है, ये अवेलेबल है, जो भी स्टूडेंट्स एनरोल करना चाहते हो, एनरोल मतलब क्या है, ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें सारे PYQ मैं और दिनेश सर डिस्कस करके रखा हूँ, तो आप देख सकते हो वैलिडिटी यू कैन एक्सटेंड। सो एनीवे थैंक यू सो मच माई फ्रेंड, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, एंड ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू मीट टुमारो with such question. Thank you so much, thank you everyone, goodbye, all the best, thank you.